हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम सीखेंगे किस तरह से आप पेटीएम के थ्रू दूसरे बंदे को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट से पेटीएम में पैसा ऐड कर सकते हैं, किस तरह से आप पेटीएम के थ्रू मोबाइल रिचार्ज या इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हैं। सारे आपके सवाल इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अपना हमारा चैनल। तो आइए शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखेंगे किस तरह से हम दूसरे बंदे को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पे पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जिस बंदे को आपको पैसा ट्रांसफर करना है उसका पेटीएम मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। या अगर आप शॉप में जाते हो, दुकान में जाते हो, तो वहाँ पर एक बारकोड रहता है। जब भी आप उसे कोई भी सामान परचेस करते हो तो सिंपल से यहाँ जाकर उनका जो बारकोड है वो स्कैन कर लेना, ऑटोमेटिकली उनको पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर में जाने के बाद जिस बंदे को आपको पैसे ट्रांसफर करना है उसका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर जितनी अमाउंट आपको ट्रांसफर करनी है वो डालनी है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करनी है। 2 सेकंड के अंदर अंदर उस बंदे को आपके पैसे मिल जाएंगे उसके पेटीएम अकाउंट के अंदर। उसके बाद हम किस तरह से अपने बैंक अकाउंट से पैसे पेटीएम अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ऐड मनी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जितनी भी आपको अमाउंट आपके पेटीएम अकाउंट में ऐड करनी है अपने बैंक अकाउंट से यहाँ पर डालनी होगी। चलिए मैं यहाँ पर 200 लेता हूँ। उसके बाद ऐड मनी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके सारे बैंक की डिटेल्स डालनी है, जो भी आपके पास डेबिट कार्ड है उसकी डिटेल्स डालनी है। लेकिन फिलहाल अभी तो बहुत सारे ऑप्शन है, उसके जरिए भी हम पेटीएम के अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले भीम UPI। अगर आपके पास भीम पर अकाउंट हो तो भीम UPI के साथ आप इसके अंदर पैसा ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस रहता है वो यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली पैसा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भी इसके अंदर पैसा ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बाय चांस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप नीचे कमेंट जरूर करना। उसके बाद आपके पेटीएम अकाउंट में फिलहाल बैलेंस कितना है ये चेक करने के लिए आपको पासबुक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके वॉलेट में जाकर यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपके पेटीएम अकाउंट में फिलहाल कितना बैलेंस अवेलेबल है। मेरे पास 6 रुपीज अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ट्रांजेक्शन आपके पेटीएम अकाउंट के थ्रू हो गए। सारे के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उसके बाद अगर आपको ये बैलेंस जो आपका पेटीएम का बैलेंस है वो बैंक में ट्रांसफर करना है तो सेंड मनी टू बैंक पर क्लिक करना होगा। इसके लिए लिमिट 100 रुपीज आपके अकाउंट में होने चाहिए पेटीएम अकाउंट के, तभी आप अपने पेटीएम अकाउंट से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, आपको ये सारी चीज़ें आपको आपके पासबुक के अंदर मिल जाएंगी। पासबुक पर आपके IFSC कोड रहेगा बैंक का। उसके बाद जितनी भी अमाउंट आपको ट्रांसफर करनी हो वो यहाँ पर डाल देने। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना। उसके बाद जो भी आपका पेटीएम का बैलेंस है वो आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही चला जाएगा। उसके बाद अगर आपको रिचार्ज मारना है तो मोबाइल में जाने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर आप यहाँ से रिचार्ज मार सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जाकर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ से पेड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम पेटीएम यूज़ करते हैं उन लोगों को पता नहीं रहता है चीज़ें, इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ। बस फ्रेंड्स, पेटीएम के अंदर सिर्फ इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए पेटीएम के अंदर तो नीचे कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूंगा। आप लोगों के लिए मैंने फेसबुक पेज भी बनाया है, आप वहाँ जाकर मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, आपको नई अपडेट्स मिलती जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।